हेलो वाइज मैं पवन चौधरी आज की इस वीडियो के अंदर आपको अपडेट ये देने वाले हैं कि एम्स नॉर्थ का जो एग्ज़ाम होता है नॉर्थ एम्स वो अभी 2023 के अंदर है इनका ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसके ऊपर जैसे कि पिछले साल भी डाला था वैसे इन्होंने अपना शेड्यूल अपलोड कर दिया है जिसके अंदर बताया है आपका एग्ज़ाम कब होगा आपका रिजल्ट कब आएगा तो उसी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर लेके चलेंगे हम आपको अभी और आपको ये बताने का मकसद यही है कि आप मोटिवेट रहो कि हाँ एग्ज़ाम तो आ गया अभी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू ही रखनी है क्योंकि अभी आपको अलर्ट कर देंगे ना तो फिर आपके माइंड के अंदर यही चलता रहेगा नोट सेट आ गया क्योंकि साल बदल चुका है दो से दो भी दूसरा महीना निकलने को है अभी आपके पास जितना समय है इतने में अगर पढ़ोगे तो इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इस बार उम्मीद है कि वैकेंसियाँ हैं वो कुछ अच्छी खासी आने वाली है क्योंकि पिछली बार कुछ एंड छूट गए थे जिनके पोस्टिंग इसके अंदर ऐड नहीं हुई थी इस बार वो होने वाली है ओके तो चलेगा मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन करके रखा हुआ है मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पेस्ट करता हूँ जो वेबसाइट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे वैसे तो ओके और इस पर जैसे ही पेस्ट करूँगा और क्लिक करूँगा तो देखिएगा नया इंटरफेस कुछ इस तरह से वेबसाइट का डायरेक्टली ओपन हो जाएगा जो कि एम्स की वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख पाओगे इजिली देखिएगा एम्स एग्ज़ाम ओके और यहाँ पे शेड्यूल वाला ऑप्शन है टेंटेटिव शेड्यूल है ना वो तेईस चौबीस का उसकी डेट है और टेंटेटिव को पिछली बार तो इसने हकीकत में बदल दिया था और इस बार भी देखते हैं क्या होता है तो मेन चीज़ को स्क्रॉल डाउन करते जाता हूं और अपने देख लेते हैं कि नर्सिंग का जो नर्सिंग ऑफिसर है उसकी एग्ज़ाम वगैरह का इसने क्या शेड्यूल डाल रखा है यहाँ पे देखिएगा एम एस का कोर्स का सब का डाल रखा है देखिए पोस्ट बेसिक बी एस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम चौबीस जून दो हज़ार तेईस को होगा रिज़ल्ट आएगा तीस जून को ऐसा करके सभी अपडेट ऑलमोस्ट दे रखे हैं इसने एम एस सी का भी दे रखा है पी एच डी का भी दे रखा है यहाँ पर देखिएगा ये अपडेट है बारह नंबर का जिसके अंदर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर नोर सेट दो हज़ार तेईस का और यहाँ पे दे रखा है एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका होगा सत्रह सितंबर दो हज़ार तेईस को यानी संडे के दिन होगा और रिजल्ट का नोटिफिकेशन यानी रिजल्ट आएगा आपका तीन अक्टूबर दो हज़ार तेईस को ओके तो सत्रह सितम्बर को एग्ज़ाम होगा तीन अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है ओके तो नवे महीने तक है तो अभी मान के चलो सात छः सात महीने हैं आपके पास यूजली आप पढ़ सकते हो अच्छी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो तो बताने का मकसद यही है आपके ध्यान रहे पूरा कि हाँ एग्ज़ाम तो है बट फिक्स है डेट ये नहीं पर मान के चलो पाँच सात दस दिन आगे पीछे हो सकता है बट अभी इसी को अपन फिक्स ही मानेंगे क्योंकि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि जो एग्ज़ाम डेट दी जाती है वही आने वाली है क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिव डेट दी गई है और दो हज़ार तेईस चौबीस के सेशन की ही दी गई है तो ये एम्स की वेबसाइट है जिसके थ्रू तो हमने आपको पूरा बता दिया अब मोटिवेट आपको रहना है पढ़ाई आपको करनी है डेली पढ़ाई करनी है कम हो या ज़्यादा डजेंट मैटर बट रोज़ाना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो ओके तो आज की के इस अपडेट के अंदर इतना ही फिर भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन न्यूज आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय